मोगा के अमृतसर मुख्य मार्ग पर पड़ते गांव लोहारा के निकट दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। इस दौरान एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे वृक्ष से जा टकराया। इस दौरान सड़क से जा रहे तीन बच्चे ट्रक के नीचे दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि दो बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। इस दौरान आसपास के लोगों ने दोनों बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इस सड़क हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि ट्रकों के बीच हुई टक्कर के कारण एक ट्रक चालक अपना संतुलन खो बैठा और वृक्ष से जा टकराया। इसी बीच वहां से गुजर रहे बच्चे उसकी चपेट में आ गए, जिस वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। उनका कहना है कि फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी तलाश की जा रही है। मोगा से हलचल के लिए निशीमन चंदा की रिपोर्ट। इस तरह सानू थाने तलाह मिली सी, मैं मौके ते आया। दो ट्रक आ रहे थे गोरी से खां तो लोड गड्डियां अच्कल स्पैशल लगी हुई है, कणक की एक गड्डी लगी हुई थी। जी खाली गड्डी सी वो क्रॉस कर रही थी, इन्होंने वो मोगा साइड तो जा रही थी। उन्हें काफ़ी सेफ्टी की है, जिसे ड्राइवर दिन लत्त टुटियां। उनका ड्राइवर का नाम जगदीश सिंह मलूम होया। गड्डियां जी गोरी से खाली इन तीन जी लद्दी गड्डी है, वो लोड ज़्यादा सी, वो बेकाबू होकर टूथ के बजी टूथ के थले बच्चे पता लग्या भी पांच छे खड़े सके, जिहड़े कि बाबा मजार तो इधर दामूशाह वाली साइड तो मत्था टेक के आए थे। उन्होंने दो बच्चे तीन चार तो बच्चे भज गए, दो बच्चे जख्मी हो गए। एक बच्चा जिहड़ा बस्ती गोविंदगढ़ का पता लग्या उहदी कहिंदे डैथ हुई। जांच के मुताबिक तो यही लगता जी लोड गड्डी है वह, बाकी जिस तरह तफ्तीश दौरान तत् सामने आने।